इस वीडियो में हम उत्तक तंत्र के एक प्रकार अधिचर्मीय उत्तक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तक तंत्र क्या होता है। उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें किसी विशेष कार्य को करने के लिए कई उत्तक एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इन सभी उत्तकों का उद्गम भी समान होता है और ऐसे सभी उत्तक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे उत्तक तंत्र कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले उत्तकों का समूह है उत्तक तंत्र या टिश्यू सिस्टम कहलाता है। पादपों में साधारणतया तीन प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 अधिचर्म अथवा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, नंबर 2 भरण उत्तक तंत्र और नंबर 3 संवहन उत्तक तंत्र। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिचर्म उत्तक तंत्र या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यदि अपन जड़, तना और पत्ती की एनाटोमी या आंतरिक संरचना देखें तो उनमें सबसे बाहर की ओर अधिचर्म या एपिडर्मिस पाई जाती है। तो देखो, अधिचर्मी उत्तक तंत्र है वो मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो केवल मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। जो अधिचर्म अथवा एपिडर्मिस का निर्माण करती है यह कुछ स्थानों जैसे रंध्रों को छोड़कर पौधे के सभी भागों जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि को एक कंटिन्यूस लेयर के रूप में रखी हुई रहती है। एपिडर्मिस जो है वो पादप के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि सभी में एक सतत लेयर या कंटिन्यूस लेयर के रूप में पाई जाती है। केवल कुछ स्थान जैसे जहाँ पे रंध्र होते हैं वहाँ पे एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। अब यदि अपन बात करें उत्पत्ति की, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसकी उत्पत्ति डर्मेटोजन या त्वचाजन से होती है। आपने हिस्टोजन थ्योरी में बताया पढ़ा होगा कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें तीन लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली लेयर है वो जो है वो डर्मेटोजन या त्वचाजन कहलाती है और इससे अधिचर्म उत्तक तंत्र या एपिडर्मिस का उद्भव होता है। एपिडर्मिस जो है वो साधारणतया एक स्तरीय होती है, कोशिकाओं की एक लेयर की बनी हुई होती है। लेकिन अपन यदि बात करें कुछ अपवादों की, तो कुछ पादप जैसे बरगद, कनेर, रबर आदि में जो पत्तियां होती है उनमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के निर्माण में जो कोशिकाएं भाग लेती है उन कोशिकाओं के बीच में कोई अंतरा कोशिक अवकाश इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो एक ध्यान देने योग्य बात, पहली बात तो ये थी कि एपिडर्मिस जो होती है वो मृदुत की कोशिकाओं की बनी होती है। दूसरी यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि एपिडर्मिस की कोशिकाओं के मध्य कभी भी अंतरा कोशिक अवकाश इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रीय भाग में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और उस रिक्तिका को चारों ओर से घेरे हुए जीवद्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है और एपिडर्मिस में जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। साधारणतया एपिडर्मिस की कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। इनमें कुछ छोटे वर्णकहीन लवक जिनको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है पाए जाते हैं। कुछ पौधों जैसे यदि अपन बात करें जलीय पौधे और फर्न जो होते हैं, फर्न एक प्रकार के टेरिडोफाइट्स होते हैं,
तो उनकी एपिडर्मिस की कोशिकाओं में तथा रंध्र की जो गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं होती है उनमें हरित लवक पाए जाते हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि एपिडर्मिस की कोशिकाओं में साधारणतया क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, केवल कुछ जलीय पादपों तथा फर्न एवं पादपों में या उच्च श्रेणी के पादपों में जो रंध्र पाए जाते हैं उनकी द्वार कोशिकाओं में ही हरित लवक उपस्थित होते हैं। कभी कभी एपिडर्मल या एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उनमें म्यूसिलेज, रेजिन, टेनिन और खनिज लवणों के क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे अधिचरम उपांग। अधिचरम उपांग में पहला उपांग है क्यूटिकल या उप त्वचा की जो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अपन एपिडर्मिस को और इसके ऊपर जो भी उपांग पाए जाते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला उपांग या एपिडर्मल अपेंडेज है क्यूटिकल या उप त्वचा। तो बाह्य त्वचा की जो बाह्य भित्तियाँ होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है और इसकी भीतरी सतह अरीय भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। तो ये जो अतिरिक्त मोटाई होती है बाह्य भित्तियों की उसका कारण है कि इन बाह्य भित्तियों पर अधिश्रम कोशिकाओं द्वारा स्रावित पदार्थ क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है और क्यूटिकल की यही परत क्यूटीन की एक परत पाई जाती है और क्यूटीन की जो परत है वो क्यूटिकल कहलाती है। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि एपिडर्मिस जो होती है उसकी कोशिकाओं की बाहरी और अरीय भित्तियों पर क्यूटीन का जमाव होता है और क्यूटीन का जमाव होने के कारण यहाँ क्यूटीन की एक लेयर बन जाती है और क्यूटीन की यही लेयर क्यूटिकल कहलाती है। इस लेयर में जो क्यूटीन पाया जाता है उसका श्रवण अधिचरम कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है। क्यूटिकल जो होती है वो जल के लिए अपारगम में होती है। क्यूटिकल के अलावा देखो कभी कभी बाह्य भित्ति पर एक मोम जैसा स्तर भी मिलता है। यह मोम जैसा स्तर ब्लूम कहलाता है। यहाँ शब्द है ब्लूम। देखिए कभी कभी बाह्य त्वचा की या एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उनकी बाह्य भित्ति पर एक मोम जैसे पदार्थ का स्तर भी पाया जाता है और यह स्तर ब्लूम कहलाता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है कि जड़ जो होती है उसकी बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल का अभाव होता है। जड़ की बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल का अभाव होता है। क्यूटिकल केवल कहाँ पाई जाती है? तना और पत्तियों की बाह्य त्वचा पर ही क्यूटिकल पाई जाती है। जड़ की बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट जो अति उपांग है वो है रंध्रिया स्ट्रोमेटा। तो रंध्र या स्ट्रोमेटा के बारे में आप सभी जानते हो कि रंध्र पादपों के सभी हरे और वायवीय भागों की बाह्य त्वचा विशेषकर पादपों में जो पत्तियां होती है उनमें उपस्थित होते हैं। जड़ों में प्राय रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। जड़ की जो बाह्य त्वचा होती है उस पर न तो उप त्वचा या क्यूटिकल पाई जाती है और न ही उस पर रंध्र पाए जाते हैं। बाकी पादप के जो सभी हरे वायवीय भाग होते हैं और विशेषकर जो पत्तियाँ होती है उनके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम रंध्र की संरचना, रंध्रों के प्रकार और रंध्रों के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।